उसको बोलिए सफाई के लिए, इतना गंदा कोच है। नहीं तो बोले नहीं तो मेरे से बात करवाइए। आप इंचार्ज हो, ठीक है, पहले इंचार्ज हम स्टाफ का है, स्टाफ का तो आप अभी तक इस ट्रेन में सफाई क्यों नहीं हुआ, टीटी सर बताइए। मना कर रहे हैं, कंट्रोल को बोले, उसको बोले सफाई के लिए, इतना गंदा कोच है। कोई सफाई कर्मी नहीं है, सुबह से आप इंचार्ज हो, ठीक है, पहले इंचार्ज हम स्टाफ का है, स्टाफ का तो आपको इंचार्ज ही बोले आप। इसमें सफाई क्यों नहीं हुआ है बताओ, सफाई क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है जवाब दो। सब आया था, जाम है था, जाम कपड़े डाले से बैठो, आपने बुझवा आप कहां जाम था, हम तो इसी में बैठ के मर रहे हैं ना सुबह से। ट्रेन में तो जाम नहीं ना लगता है, नहीं जो जो पूछेंगे बताओ क्या। यहाँ पे दिन पर दिन टिकट का भाड़ा बढ़ रहा है और दिन पर दिन हम तो प्राइवेट का, हम हमको दिन का पैसा देता है, हम दिन का आते हैं, हमारे तो दिन का भी तो तुमने साफ नहीं किया। सुनिए बाबू मैं पूछ रही हूँ, दिन में भी तो आप लोगों ने साफ नहीं किया ना बेटा, साफ किया। बजे आया था स्लीपर फाइव में कंप्लेन आया करके गया पूरा गैदर। नहीं मैं तो दिन, तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है बताओ। समीर ने देखिए फोटो खींचिए ना आईडी का, अभी इसमें सफाई होगा कि नहीं होगा। सफाई तो कर ही रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, क्या होगा, मैंने इतना हम परेशान होंगे तब हमारा सफाई होगा, अगर हम लोग सफाई इतना गंदा है, इतना गंदा आदमी बीमार पड़ जाए। सुबह से हम लोग लेडीज के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है, जेंट्स तो कहीं भी खड़ा होके कर लेगा। अरे बाथरूम इतना गंदा करते रहते हैं पब्लिक से, मैसेज कैसे करते हैं हमारे पास तो बोल रेलवे डिपार्टमेंट पैसे लेते हैं, बोलिए रेलवे डिपार्टमेंट तो लेते हैं, आप लोग को भी देते हैं। हमको तो अभी तक सैलरी भी नहीं मिला। हाँ भैया इसमें इसमें बताओ, इधर बोला सैलरी नहीं मिला तो इधर बताओ, सैलरी नहीं मिला इधर, अभी तक सैलरी नहीं मिला। हाँ काटकूट का एक को मिला है, दो तीन को नहीं मिला है, काटकूट का 5,700 सफाई का अथी हो गया। नहीं आप पीछे चलिए, पीछे चलिए, मैं जो जो पूछेंगे सब अभी बताएंगे। अभी तक इस ट्रेन में सफाई क्यों नहीं हुआ, टीटी सर बताइए, जवाब दीजिए। नहीं आप जवाब दीजिए, अरे हम चढ़े यहाँ दरभंगा में तो अभी कैसे बता दें कि कहाँ से आदमी चढ़े। आप दरभंगा में चढ़े हैं ना, बेगूसराय आ गए, आप तीन डिस्ट्रिक्ट पार कर गए। अरे हम दरभंगा समस्तीपुर बेगूसराय उधर चल रहे हैं, अच्छा ठीक है सुनिए, सफाई नहीं कराते हैं आप हमको पैसा दी है, हम क्यों देंगे, हम तो टिकट कट के चढ़े हैं। रुकेंगे मैडम सर, नहीं रुकेंगे नहीं, ऑनलाइन आप बात कर रहे हैं, पूरे पब्लिक आपको देख रही है, आप बताइए कि आप सबसे टिकट चेक कर लिए अभी कहाँ किए, अच्छा जो अभी फाइन वाइन कर लिए अभी कुछ नहीं, अब करेंगे अभी ट्रेन पर चढ़े करेंगे, लेकिन ट्रेन पर कब चढ़े हैं, ट्रेन पर कब चढ़े हैं, कितना दरभंगा में चढ़े हैं, कितना घंटा हो गया आपको चढ़े हुए, तीन घंटा ले हो गया। तीन घंटा में आपको सफाई का ध्यान नहीं आया था कि इसमें सफाई नहीं है, सफाई मेरा विभाग नहीं है, आपका क्या विभाग, करवा सकते हैं हमको टिकट चेक करना है, सफाई गंदगी रहेगा तो आपको कोई मतलब नहीं है, कहे मतलब है कि नहीं है, गंदगी वाला के जा रहे हैं बुलाने ना, नहीं तो तीन घंटे में आपको बुलाने का कोई नहीं सोचा, अगर पब्लिक आवाज नहीं उठाती तो आपको कोई दिक्कत नहीं था ना सर, नहीं दिक्कत था ना, पब्लिक नहीं आवाज उठाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ना, कहीं नहीं दिक्कत है, तो क्यों नहीं तीन घंटे में सफाई कराया, हम जा रहे हैं उसको भेज रहे हैं एसी से, जब हम लोग चिल्लाएंगे तब बनेगा। लोगों से मेरा निवेदन है, ध्यान दीजिए थोड़ा प्लीज, आप लोग सर से हम लोग कंप्लेन किए और इतने लोगों से कंप्लेन किए, किसी ने हमारा बात नहीं सुने, और सर हम लोगों का बात सुने नहीं तो हम लोग अभी ट्रेन रोकने वाले थे और आंदोलन भी करने वाले थे, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये पूरे सफाई को ये दोनों आदमी मिलकर पूरे ट्रेन की सफाई करवाए, हस्बैंड ने टॉयलेट की सफाई भी करवाए, तो आप सब कोई जोरदार ताली के साथ धन्यवाद ज्ञापन करें।
हमारा फर्ज है, हम ड्यूटी में है, हमको करना ही है, पब्लिक का सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। वेरी गुड, तालिए और आपने आप एक रिटायर्ड फौजी हैं और आपने देश के लिए अपने ट्रेन के लिए इतना अच्छा किया, आप कुछ करना चाहेंगे सर? हम तो पूरी जिंदगी सफाई करते रहे, चाहे दिल की सफाई हो, चमन की सफाई हो, चमन की सफाई है, साफ काम रहा, इसलिए हम इस काम और साथ साथ अपनी बीबी का भी इतना कोऑपरेट किए। लेकिन लोग तो अपनी बीबी को दबाते हैं, बोलने नहीं देते हैं, घूंघट में रखते हैं, इसके लिए भी ताली होनी चाहिए। चलिए धन्यवाद सबको। ट्रेन में आए तो ट्रेन में बहुत गंदगी थी, सभी सह रहे थे, लेकिन आवाज अगर कोई एक इंसान उठाए तो पब्लिक उसका साथ देती है, और आज यही इस ट्रेन में हुआ। एक बार जब मैं आवाज़ उठाई तो मेरे साथ पूरी पब्लिक सहयोग की, जिसके वजह से पूरा ट्रेन साफ हुआ, टॉयलेट भी साफ हुआ। और मैं पूरे पब्लिक से ये कहना चाहूँगी कि आप जहाँ भी देखें गंदगी है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। कुछ लोग तो ज़रूर है जिसके दिल में सच्चाई है और वो सच्चाई का साथ ज़रूर देते हैं, जो कि आज इस ट्रेन में भी हुआ। मेरे साथ इतने लोग सहयोग किए और जिसके वजह से पूरा ट्रेन साफ हो गया, और जो भी बेचने वाले आते हैं उनको भी रोका गया, और सभी पब्लिक अभी बिल्कुल आराम से जा रही है, आप देख सकते हैं, और पूरा ट्रेन भी साफ हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी सहयोग करें सफाई में, हम लोग भी ट्रेन के अंदर कचरा न फेंकें और अपने ऊपर ध्यान रखें और पब्लिक के ऊपर भी ध्यान रखें कि अगर कोई फेंकता है तो उसे सिखाएं। हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा।